अनिल जी अपने को अनम्यूट करिएगा। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले बड़े महत्वपूर्ण आए हैं, जैसे राजद्रोह कानून वाला भी आया, तो उसके बाद जैसे हाई कोर्ट का जो ये फैसला, ये भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूं इसको। हम सोचते हैं कि इससे कुछ तो रोक लगेगी, हालांकि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जी नहीं, ये रोक नहीं लगेगी। इसमें ऐसा है कि हम लोग समझ रहे हैं क्या कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए है, ऐसा है नहीं। ये संघ परिवार का पुराना इतिहास के बारे में पुराना प्रोजेक्ट है, और पीएन ओक जो है संघ परिवार के, मतलब आरएसएस के ये थे, मतलब आइडियोलॉग, और उन्होंने इतिहास पुनर्लेखन संस्थान बनाया हुआ था पुणे में, जिसका काम था इतिहास के बारे में इसी तरह की जानकारियां देना। तो ये, और दूसरा है क्या कि जब मनोरंजन जिसकी बात कही हरजिंदर ने, तो उसमें मैं जरा जोड़ दूं पीएन ओक साहब की और जो डिस्कवरीज है, उसमें ऐसा है कि उन्होंने जो वैदिक हिस्ट्री के बारे में उनका जो कंसेप्ट है, उसमें जो ब्रुनेई है वो है श्री भगवान पोर्ट, और रोम जो है वो राम जी, राम वहाँ लोग राम नवमी मनाते थे, और उन्हीं लोगों ने बनाया वहाँ, ये क्या कहते हैं, रोम शहर विकसित किया। तो इस तरह के, और ये भी है कि महाभारत में मिसाइल का जिक्र है, और वो जिक्र है क्या कि मौसल पर्व करके या क्या है, मैं उस पर्व के बारे में ज्यादा जानता नहीं, उसको उन्होंने बताया है कि ये तो पहले ही मिसाइल के बारे में बताया गया था कि मिसाइल से किस तरह की ये होती है। द्वारका में जो यादवों का सर्वनाश हुआ, वो जो है वो यही चेतावनी जो है वो नहीं जानते थे मिसाइल के बारे में, इसीलिए वो खत्म हो गए। तो उन्होंने एक यहाँ क्या कहते हैं, इंग्लैंड में एक कोई हवा, मतलब ये आया था चक्रवात वगैरह या कुछ ऐसा, उसके संदर्भ में ये बताया था। ये तो पहले ही महाभारत में इस तरह का हो चुका है किस्सा बयान। तो ये है पीएन ओक साहब की का हिस्ट्री को कंट्रीब्यूशन। तो एक तो ये, इसमें खाली मैं को इतना ही पता, मतलब कहना चाहूंगा कि ये इनका नया प्रोजेक्ट या मुद्दों से भटकाने के लिए, महंगाई से, ये ऐसा है नहीं, ये एक पूरा पैकेज है जो लंबे समय से चल रहा है। हम लोग जब, आप तो बताया ही किसी ने कि जो पी एन ओक साहब की पतली पुत्र, मैंने पतली नहीं, ये जो तेज, ये जो तेज तेजो महा ये वाला जो है मंदिर वाला, वो जो है उस पर पूरी बड़ी किताब, जब मैं स्कूल में ही था तो संघ के एक मतलब बहुत बड़े थे जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने मुझको 9वीं क्लास में ही ये किताब दी थी कि ये जो है ये किताब पढ़ो तो इतिहास समझोगे, तुमको इतिहास में रुचि है लेकिन सही किताब नहीं पढ़ते हो। वो मेरे पड़ोस में ही रहते थे और रिश्तेदार भी थे, और बाद में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने भारतीय जनसंघ के, तो उन्होंने जो है वो किताब दी थी। तो उस समय से मैं पीएन ओक से परिचित हूँ। तो पीएन ओक का तो ये हो गया, और ये आरएसएस का प्रोजेक्ट है। अब है सवाल ये कि ये प्रोजेक्ट क्यों है, इसको समझना चाहिए। ये प्रोजेक्ट है कि जब कॉलोनियल जो ये है, मतलब अंग्रेजों की जो हिस्ट्री है बांटने की, उसको आगे बढ़ाने का, ये आरएसएस दो इतिहास का, जो एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे उसमें एक तबका था जो हिंदू ये के पक्ष में था कि सारा कुछ हिंदू एक ही कम्युनिटी के हिसाब से देखने वाला, और दूसरा जो है राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ से देखने वाला, और तीसरा एक था ये भी जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के आधार पर ही वो उसका इंटरप्रिटेशन इसकी कोशिश करता था। इस तीन में से जो है, जो हिंदूवादी इतिहासकार हैं जो सीधे सीधे अंग्रेजों के जो मूल इतिहास की जो प्रेरणा उनकी रही कि कैसे इंडिया में दो ये हैं मुसलमान और हिंदू, और इसीलिए उन्होंने डिवाइड भी किया था कि मुस्लिम काल, हिंदू काल, मतलब एंशियंट पीरियड को कहते थे, और मॉडर्न, मॉडर्न में वो अपने को ब्रिटिश लोगों का बताते थे। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये अंग्रेजों के साथ जो है, जो क्योंकि अंग्रेजों के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन को विश्लेषित करने, उसमें उसके कार्यक्रमों का विरोध करने, ये इसमें आरएसएस और हिंदू महासभा आगे आगे थी, और वो जो है उसी का ये हिस्सा है। इसलिए ये हम लोग ना समझे कि ये रुक जाने वाला है, ये प्रोजेक्ट है लंबे समय से जो आरएसएस की विचारधारा का हिस्सा है। अब है क्या कि इससे इसका असर क्या होता है, जो लोगों ने बताया कि यह खतरनाक है वगैरह तो है ही, सबसे जो बुरा असर हो रहा है कि 8 साल में हमने कोई ऐसा डिबेट नहीं किया है स्पेस साइंस के बारे में, हमने साइंस के बारे में जो बड़ा डिबेट होता रहा है, जो कि नेहरू
जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था साइंटिफिक टेंपर, लोग बहस करते थे कि किस तरह से देश को विकास करना है और साइंस क्या है, साइंस से हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए, वो बहस पूरी तरह खत्म हो जाती है अगर आप इस तरह के जो गल्प बोले ना, गल्प साहित्य में अगर आप फंसते हैं। और 8 साल में आप देखेंगे कि हमने कोई बहस नहीं की है अर्थशास्त्र से लेकर के समाजशास्त्र में भी, जो कि साइंस का एक दूसरा हिस्सा है, उसको भी हमने नहीं जी किया है और आगे पूरा ये है। तो आप पूरी पीढ़ी को नकारा बनाना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट जारी रहेगा, अदालत कुछ भी कहे। और अदालत तो इसीलिए गए, वो अदालत में इसका क्या, वो तो अदालत ने सही कहा कि ये हम लोगों का जो डिसीजन, इस बारे में हम क्या डिसाइड करेंगे, ये तो इतिहासकार बताएंगे ना। तो इतिहास से तो करना नहीं है, ये पब्लिसिटी स्टंट तो है ही, साथ में प्रचार का ये है, ये बहुत खतरनाक है आगे की पीढ़ी के लिए भी। बस मैं यही कहना हूं। जी